ने जिन्होंने हो गया उन लोगों को तो अच्छे से याद होगी एक एक प्रॉपर्टी वगैरह है ना। हाँ भाई इन्हें पूछ लेते हैं है ना। कल के दिन के अंदर मैंने आप लोगों को कुछ चमत्कारी अनुभव कराए थे, आप लोगों को ये बताया था कि अगर लाइनों की इक्वेशन बेसिक में कैसे निकाली जाती है, ठीक है ना। कितने लोगों को याद है कि हम लोगों के लिए बेसिक में सिर्फ दो ही फॉर्मूले नाचते हैं, है ना। एक सेकंड, आप सब बोलोगे ना तो वो लोग जिनको अच्छे से याद है वो दब जाएंगे, ठीक है। उन्हें उठा के पूछ लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, अपना फार्मूला मास्टर। हाँ भाई पहले तो तू बता दे बेटा। हाँ लाइन का फार्मूला क्या है तेरे दिमाग में, और जो है बोल देना। हाँ कोई भी फार्मूला जो तेरे को पसंद आ रहा है। हाँ अपने SL Loni करी थी क्या, SL Loni में पीछे के 5 क्वेश्चन दिए थे ना मैंने, एक एग्जांपल के किसी एग्जांपल के दिए होंगे ना। बैठ कुछ नहीं किया तेने। हाँ भाई तेरे पीछे वाले ने किया था, वो मेहनत करके आया, करा गया ना मैंने Saloni के 5 क्वेश्चन एग्जांपल 5 के। अरे वो क्वेश्चन किए कि नहीं किए क्या बता रहा है, तो क्वेश्चन ही कुछ और पूछा, मतलब पूछ रहा हूँ क्वेश्चन किए थे क्या। एक मैंने 5 कोई क्वेश्चन दिए थे, अरे आमत भर देना इनके चक्कर में, मैंने 6 दिए थे, तू वहां भर दे कल को 5 ही दियो। अब समझ में आया देखा। हाँ मैं धीरे धीरे बढ़ाता ना तू यार, या तो तू पढ़ा ले, मैं धीरे धीरे बढ़ाता ना यार, एक इसके बाद में अगले को पकड़ता। काम की बात क्या ना, ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि यही तरीके दो है, पहली बात एक्स आगे, क्योंकि ना अपना काम है भाई फार्मूला लिखा सकते हैं, है ना, 5 छोटे छोटे क्वेश्चन करा सकता हूँ, ठीक है, इससे अंदर क्या कराएगा कोई, ठीक है। कल मैंने आपको फॉर्मूले खुद बना बना के क्वेश्चन कराए थे कि भाई ये नहीं चल ऐसे सोच, ऐसे नहीं ऐसे सोचो, ठीक है ना। मैं करवा ही लूंगा, आप चिंता मत करो, है ना, डरो मत, मैं करवा लूंगा, ठीक है ना। हाँ भले मैं आपको कितना भी सुनो लेकिन मेरे मन में अगर आ गई ना कि मैं करवाऊंगा तो करवाऊंगा, फिर कोई रोक नहीं सकता उसे। हाँ साहब चलिए अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, है ना, मैं तो भावुक कर रहा था आप लोगों। अच्छा हाँ नहीं वो पता चल जाएगा कल के दिन, फार्मूला पूछूंगा। तुम बता दो फार्मूला, लाइन की इक्वेशन का फार्मूला। हाँ तुम ही बता दो, चलो खड़े हो ही गए। बेहतरीन, पीछे वाई जोड़ा एम एक्स प्लस सी, अरे वाह बहुत बढ़िया शानदार, दूसरी बात रखी यार, गुड वेरी गुड, बैठ जा। हाँ पड़ोसी वेरी गुड, इसे कहते हैं 3 अलग अलग फार्मूले, बैठो आप लाइव बना दी, गलत जगह हाथ रख दिया था अपने इतनी देर तक, है ना भाई। हाँ अब देखो अपने पास में 3 फार्मूले पता चल गए, y-y1 पहले याद दिला देता हूँ, ठीक है। हम लोगों के पास में कुल मिलाकर के वी विल हैव 6 फार्मूलेस, है ना, ऑल टुगेदर आने वाले टाइम में अपन रखते आएंगे, लेकिन अभी राइट नाउ इट इज नॉट नेसेसरी, हम लोगों ने ये फार्मूले उनसे पहले कर लिया ना, अपन उल्टे चल रहे हैं इसमें, क्योंकि मेरी जरूरतें वाई जुगड़ो में एक ये फार्मूला आप सब लोगों को ऑलरेडी याद है। दूसरी चीज अभी अभी एक लड़के ने बताई y-y1 इस गड़ो में mx-x1 बेटे, और थर्ड फार्मूला आप लोगों ने बताया y-y1 इज इक्वल टू कितना y2-y1 अपॉन में कितना x2-x1 इनटू में x-x1 राइट है भाई। अच्छा इसमें आपकी जानकारी वापस थोड़ी रिच कर देता हूं, जो m होता है उसकी वैल्यू होती है y2-y1 अपॉन x2-x1 राइट है, अगर भाई दो पॉइंट x1y1 और x2y2 गिवन हो तो, है ना भाई। अच्छा ये सब चीजें हम लोग किसके लिए पढ़ रहे थे ना, हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्थो सेंटर के लिए, और ऑर्थो सेंटर के लिए क्यों पढ़ रहे थे ना, ऑर्थो सेंटर के लिए क्यों पढ़ रहे थे कि कहानी में ऑर्थो सेंटर को लेकर के हमारे फंडामेंटल कहते हैं कि अपन इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, अगर हम लोग इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1y1 होंगे, इससे जाने वाली लाइन की जो इक्वेशन होगी है ना वो अपने आप में y-y1 है ना इक्वल टू में कुछ m आएगा इनटू में x-x1 होनी चाहिए थी राइट है, इस पॉइंट से पास आउट होने वाली लाइन की क्वेश्चन यही होती है। अच्छा रही बात, मेरे पास इस एम को लेकर कोई आइडिया नहीं था सिवाय इस बात के कि ये जो लाइन है ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है, अगर ये लाइन के परपेंडिकुलर है तो ये लाइन अपने आप में इन दो पॉइंट से बनी है, सही ना भाई, अगर ये लाइन इन दो पॉइंट से बनी है तो इस लाइन की स्लोप मेरे पास पड़ी थी, इस लाइन की स्लोप जो थी ना, इस लाइन की स्लोप y3-y2 अपॉन में x3-x2 थी राइट है भाई। अगर इस लाइन की स्लोप ये थी तो मुझे पता है ये लाइन जिसको मैं ढूंढता फिर रहा हूं जिसकी स्लोप वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, अगर ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो दोनों की स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होना था, तो मैंने इस लाइन की स्लोप को एक बार के लिए m मान लिया, तो मुझे ये समझ में आया कि m इनटू में कितना
Y3 माइनस वाई टू अपॉन में कितना X3 माइनस X2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस वन होना चाहिए था। इससे मुझे ये समझ में आया कि M की वैल्यू जो है ये पलट करके M की वैल्यू X3 माइनस X2 माइनस X3 अपॉन में Y3 माइनस Y2 होना चाहिए था। नहीं, मैंने वो पहली आवाज तो सुन ली थी, पहली बात तो मैंने सुन ली थी, है कि नहीं? हाँ, वो तो क्या है, लाइट जाते जाते भी वो उसका मुंह खुल गया था, वो क्या बात है? वो मैंने मतलब बिल्कुल लास्ट विजिबिलिटी हो गई थी, तो गलत है आपका तरीका, है ना? आपका मूड खराब करेगा, ठीक है? और किसी दिन एक दिन बस्ट होगा, उसके बाद में कभी जिंदगी के अंदर कोई वो नहीं करेगा, ठीक है? हाँ, अच्छा, ये एम मैं कह रहा हूं ना, आप नीचे जाके करो ना यार, कमजोर आदमी आगे, क्योंकि वो फिर भी है ना कुछ शायद कहेंगी नहीं, मैं कह दूंगा तो बहुत कुछ कह दूंगा, मैं बहुत कुछ कह दूंगा, फिर क्या वो रुकेगा नहीं? मेरे क्या, मेरा लफड़ा है, ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है मेरे में, सीरियसली तो तब लेना, ठीक है ना, तब जब मैं किसी को डांटूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं सीरियसली है ना, पता है ना आपको, आदमी सीरियस कहां होता है, कहां? आईसीयू में, बताया था ना? है कि नहीं? हाँ, अभी आपको लग रहा होगा ना मैं मिक्स कल्चर में खेल रहा हूँ, है ना, मजाक भी और डांट भी रहा हूँ, लेकिन मैं सीरियसली वन साइड होता हूँ, है ना? मैंने आप में से 2-3 को देख लिया था वैसे वो करने से ठीक पहले, ठीक है, प्लीज, है ना, बीवेयर ऑफ दैट, ठीक है। अच्छा, एम क्या वैल्यू अपने यहाँ रख देंगे? अच्छा, एम की, अच्छा देखो, अब रिदम खराब होती है ना लाइट की वजह से, है ना आपकी? हाँ भाई, फिलहाल अपने पास क्या है ना, एम की वैल्यू चाहिए थी, और एम इस लाइन की स्लोप है, इसकी स्लोप मेरे पास अवेलेबल ही नहीं थी, तो मैं क्या करूंगा ना, इस लाइन की स्लोप को निकालने के लिए मुझे इसकी लाइन की स्लोप पता है, तो इन दोनों का परपेंडिकुलर होने का फायदा उठाऊंगा, एम की वैल्यू निकाल के यहां रखवा दूंगा। इसीलिए कल के दिन मैं एम की वैल्यू यहां रख रहा था और ये उल्टी आ रही थी, सही है ना? और आप में से कई लोग मुझे उस जगह पे रोकना चाह रहे थे जिस जगह मैं आपको अगर भाई तुम्हें समझा भी देता तो आपका अनुभव नहीं था, आपका समझ में भी नहीं आता, आप उल्टा सिर्फ हो सकता है शायद समझते और शायद ना समझते, लेकिन बाकी क्लास का बहुत टाइम खराब हो जाता, तो मैं इसी जगह पे बिल्कुल चिल काटता चला गया और एकदम सीधे सीधे निकल गया आपको रोक करके, राइट है? हाँ, ये वो बात है ना, फिलहाल अगली बात पे रखता हूं। अच्छा, ऑर्थो सेंटर के अंदर मेरे को ये अगर वैल्यू निकालनी तो मेरे को दूसरी लाइन की भी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, विच इज अगेन परपेंडिकुलर, ये वाली जो लाइन होगी ना, दिस लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, एज वेल एज दिस लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, अगर ये पॉइंट से कोई लाइन पास आउट हो रही है तो उस लाइन की जो बेसिक इक्वेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन जो समझ में आती है, वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू में एक्स माइनस एक्स टू, और बीच में भरा जाने वाला स्लोप, राइट है? अच्छा, अब इस लाइन का स्लोप फिर नहीं है, अगर इस लाइन का स्लोप नहीं है तो मैं फिर वापस वही वाला मैनेजमेंट बैठाऊंगा, मुझे पता है परपेंडिकुलर का लफड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन का स्लोप निकालूंगा, उसका माइनस वन अपॉन एम कर दूंगा, माइनस वन अपॉन एम करके यहां पे यूज कर लूंगा। अच्छा, रही बात इस लाइन का स्लोप कैसे निकालूंगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये करके, है ना, और डिवाइड बाय माइनस करके पलट के लगा दूंगा, तो हर बार मुझे क्या करना होगा ना, लाइन के इक्वेशन आते ही सबसे पहले फाइट मारनी पड़ेगी, गुजरी किससे, पास किससे हुई, कट पास होने वाली दो चीजों को मैं यहां पे भर दूंगा, राइट है? फिर मैं दूसरी फाइट मारूंगा, कहीं से भी स्लोप जुगाड़ो, स्लोप कहीं से भी जुगाड़ो, कैसे भी जुगाड़ो, कैसे भी करके, या तो डायरेक्ट या परपेंडिकुलर का मेथड यूज करके या एनी हाउ, बस मेरे को एम चाहिए, एम एम आते मैं यहां पे भरूंगा, मेरा क्वेश्चन नक्की मैं बाहर, राइट है? हाँ, क्योंकि मेरी प्रीमियर फाइट है, फर्स्ट पहली फाइट है, पहली फाइट जो मैं सीख रहा हूं, मेरे दिमाग में आना चाहिए कौन क्या है ना, एक्स वन वाई वन वो पॉइंट जिससे लाइन गुजरी, एक्स वन वाई वन वो पॉइंट है जिससे लाइन गुजर रही है, ठीक है, और एम उस लाइन की स्लोप है बाय एनी हुक एंड क्रूक वॉट एवर मेथड, ठीक है। अच्छा, यहां तक हमारी कल के दिन की बात होगी थी। अच्छा, अब चलते हैं अपन लोग आगे, राइट है? मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने दे रखा है कि फाइंड, ठीक है ना, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना, पासिंग थ्रू, ठीक है ना, कितना दे रखा है, 1 1, ठीक है ना, 4 4 एंड 3 6, है ना भाई? अच्छा देखो, अब ऑर्थो सेंटर में मैंने आपको जो दूसरा मेथड बताया था, अगर आपको याद हो तो X1 10A प्लस X2 10B प्लस X3 10C, वो कौन निकालेगा, कहां अपने पास 10A वगैरह निकालने का टाइम पड़े, है ना? और 10AB फिर कैसे निकालना पड़ेगा, पहले कोसाइन फार्मूला निकालो, कोसाइन फार्मूले से फिर साइन थीटा निकालो, फिर टेन थीटा निकालो, और तब जाकर के उसको यूज करो, कहां उसमें, हमारे पास समय नहीं है इतना, हमारे पास तो डायरेक्ट दिमाग है, ये एक ऐसा ट्रायंगल है ना जो किसी भी तरह का नहीं है, तो मैंने अपनी तरफ से एक बार के लिए खटखट दिमाग लगाया, ए की जगह पे वैल्यू पुट करी कितनी, 1 1, बी की जगह वैल्यू क्या पुट करी मैंने, 4 4, और मैंने सी की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है, 3 6, है ना भाई? अच्छा, अब दिमाग इस पे लगाते हैं, मेरे पास में 3 पॉइंट पड़े हैं ना, नाउ आई नीड ऑर्थो सेंटर, मेरे को ऑर्थो सेंटर की दरकार है, ऑर्थो सेंटर अपने आप में इंटरसेक्शन होता है किसका, एल्टीट्यूड का, तो पहली बात इस लाइन की क्वेश्चन निकालू, इसका नाम दे देते हैं एडी, ठीक है ना, एडी इज एल्टीट्यूड, एंड मैं पहले सबसे पहले मैं फाइट मारूंगा किसके लिए, एडी के लिए, इक्वेशन ऑफ एडी, इक्वेशन ऑफ एडी,
राइट भाई। अच्छा इक्वेशन ऑफ एडी के लिए पहली बात, एडी वाली लाइन किससे गुजरती है? 1-1 से। तो मैं क्या लिखूं बोलो? y माइनस वन इज इक्वल टू x माइनस वन और बीच में स्लोप है क्या? नहीं। और स्लोप मेरे पास इसकी तो डायरेक्ट नहीं है, लेकिन क्या मेरे पास इसकी स्लोप है? अच्छा जल्दी से, मैंने इसकी स्लोप के बारे में डिसाइड किया, ठीक है। इसकी स्लोप इज इक्वल टू 6 - 4/3 - 4, क्या ख्याल है? इसका मतलब कितना हो गया? -2 है ना भाई, इसकी स्लोप -2 है, तो इसकी स्लोप बट ऑब्वियस है -1/-2 हो गई। सोचो, अरे -1/ इस वाले का इसकी स्लोप नहीं आया, ये बात पकड़ में आ रही है? -1/ परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप, वो मैं यहां भर दूंगा, ये भरते ही ये हो गया कितना? 2। क्लियर करते ही कितना हो गया? 2y - 2 इज इक्वल टू कितना? x - 1। खूबसूरत बनाने के लिए सबको एक तरफ ला रहा हूं, x - 2y + 1 = 0, क्या ख्याल है? क्या मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई? फर्स्ट इक्वेशन आ गई, एडी की इक्वेशन आ गई। अब मैंने दूसरा परपेंडिकुलर फिट किया, बी से परपेंडिकुलर डाला, इस पे बी से परपेंडिकुलर कुछ यहां पे गिरा, इसका नाम रख दिया बीई, राइट भाई। अब मैं फाइट मार रहा हूं किसके लिए? इक्वेशन ऑफ बीई के लिए, रेडी। सेकंड टाइटल है मेरे लिए क्या? इक्वेशन ऑफ बीई। बहुत ध्यान से समझना, ये चैप्टर बहुत ही मस्त चैप्टर है, मैं आपको बता रहा हूं। रिदम बनती है, आप में फील आती है, सोचने लगते हो आप बीई की इक्वेशन निकालने के लिए। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले लाइन के लिए क्या जरूरत है मेरी? किससे गुजरी, किससे पास हो रही है? नहीं स्लोप नहीं, किससे पास हो रही है? तो बी कहां से पास आउट हो रही है? 4-4 से, राइट है भाई। तो मैं क्या लिखूंगा? इक्वल टू x - 4 और बीच में क्या भरूंगा? स्लोप। क्या मेरे पास इसकी स्लोप पड़ी है? लेकिन क्या इसकी स्लोप पड़ी है? अच्छा इसकी स्लोप को मैंने नाम दिया m1। अब बोलो इसकी स्लोप के लिए? 6 - 1/3 - 1 भावार 5/2, राइट है भाई। अगर इसकी स्लोप 5/2 तो इसकी स्लोप -2/5 वो मैं यहां पे फिट कर देता हूं, कर दो भाई माइनस का 2/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करते 5/-20 ऐसे करो -2x + 8 हाँ या ना। अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 2x + में कितना? 5y ऐसे करो में कितना? 28, क्या ख्याल है आपका? राइट भाई, अगर देखा जाए ये क्या हो गया? बी। अब ए और बी को लेके फाइट मारते हैं, कैसे? हमको तो एक्स वाई निकालने से मतलब है, ये दोनों कहां भिड़ेंगे? इस पॉइंट पे ना, मेरे को तो ये पॉइंट निकालना है। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं? इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए इन दोनों को, हाँ ये सब हम लोग 8th क्लास में सीख चुके हैं, दो इक्वेशनों को सेटल करना, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं तीसरा टाइटल, फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ किसका? एक तो बीडी का, नहीं बीई का एंड एडी, राइट है। इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट मिलाने के लिए इसका तरीका क्या है? इस इक्वेशन को मैंने दोबारा लिखा, 2x + में कितना? 5y इज इक्वल टू कितना? 28। अच्छा इस वाली इक्वेशन को बैठाने के लिए क्या कर रहा हूं? जानबूझ करके कोफिशिएंट मिला के ले जाऊंगा। इस लाइन को नीचे लाते समय मैं जानबूझ के लिख गया 2x - का कितना? 4y + 2 = 0 और प्लस का 2 इधर आकर के क्या बन गया? -2। बात पकड़ में आ रही है? -2। अब जरा सुनना, माइनस करो ये, प्लस करो ये, प्लस करो ये, कटा ये की तरफ कितना हो गया? 9y इज इक्वल टू में कितना? कितना? 30। इसका मतलब y इज इक्वल टू कितना रह गया? y इज इक्वल टू 30/9। 30/9 माने 10/3, ठीक है। मेरे पास y की वैल्यू आ गई, माने कोऑर्डिनेट का एक हिस्सा आ गया। कोऑर्डिनेट में क्या क्या होता है? x और y, y आ चुका है, x की दरकार है। 10/3 को किसी में भी रख दो, आसान जगह पे रखो, आसान जगह। अच्छा किसी में भी रख सकते हैं इसमें? हाँ, मेरे टाइम में मेरे को ये भी क्लिक नहीं करता था कि इस y का करूं क्या, क्या करूं, है ना, किस में रखूं? इसमें, 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 ये तो 3-3, 4-4 है। अरे नहीं, जो सबसे आसान लगे ना उसमें रख दे, है ना, ये वाला ज्यादा आसान है ना। x की वैल्यू अगर मैंने रख दी तो x माइनस का कितना? 2 * y की जगह कितना? 10/3, राइट है। और +1 = 0, राइट है ना। मैं बिल्कुल, जो आदमी सीखता है ना वो बता देता है, मेरे टाइम में मुझे कोऑर्डिनेट की हवा लगनी बंद हो गई थी, बट आई डिसाइडेड कि मैं इसको कर दूंगा, और मैंने करने का एक ही तरीका पकड़ा, इसको बार बार करना, एन टाइम्स करता चला गया, और मेरे को चीजें पहली 2-3 एक्सरसाइज समझ में आई तो लेटर ऑन आने लग गई और मेरे को क्लिक कर गई। एक्स इज इक्वल में कितना यहां पे? 20/3। 1 - 20/3 का मतलब कितना होता है? -17/3, राइट है। इट इज 17/3, राइट है। एक्स इज इक्वल टू 17/3, सो कोऑर्डिनेट, सो ऑर्थो सेंटर क्या निकला? ऑर्थो सेंटर निकल गया, है ना, 17/3, 10/3। ऐसा लिखना जरूरी है, इसके भी मार्क्स होंगे आपके, है ना। हाँ क्या क्या क्या? हाँ बिल्कुल सेम आंसर आता, सेम आंसर आता, है ना भाई। हाँ इसमें कोई डाउट नहीं,
इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा कि आपने जो ये बी से ई की ओर करा, ये अगर यों खींचा होता ठीक है तो भी आता क्या, सेम आंसर आता। हाँ भाई ये वाली बात समझ में आ गई आपको, है ना। अच्छा ऑर्थो सेंटर निकालने का अपन तरीका सीख चुके हैं, एज वेल लाइन को निकालने का तरीका सीख चुके हैं। हमने अभी एक क्वेश्चन के अंदर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना सीखा, दो लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए कुछ नहीं करते, 8th क्लास में सीखा मेथड यूज करते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं, एक्स वाई आता है, राइट है। ये पहली चीज है जो हम लोगों ने अभी यहां पे सीखी। अब काम की बात नंबर दो सीखो आप, ठीक है। अच्छा इसके बाद वाले में लिख लेना आप, लिख लो इसके बाद में, है ना। हाँ पहले यहां तो कॉपी कर लो। टेन थीटा और वो वाला जो है ना मैंने आपको लिखा था ना, भूल जाना है ना, वो तो सिर्फ आप सिर्फ कॉपी में सजावट के लिए, सजावट के लिटरली सजावट के लिए, नॉट बियॉन्ड दैट, राइट है। ये मेथड इज द रियल मेथड, ये अचानक कोई भी तीन पॉइंट दे देना तो आप निकाल सकते हो, बट स्टिल ये फाइनल नहीं है। अच्छी चीज क्या है, कुछ जगह दिमाग भी चलता है, ठीक है, वो भी लिख लीजिएगा, जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। यही पॉइंट है जो नोट करने लायक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी यूज अबोव मेथड ऑल द टाइम्स, अबोव मेथड ऑल द टाइम्स, लिख लिया है ना। समटाइम ट्राइंगल में भी राइट एंगल, समटाइम ट्राइंगल में भी राइट एंगल, ठीक है ना। उसके नीचे एक लाइन छोड़ के लिखना, स्टार बना करके, ठीक है ना, कि स्टार बना लेना और लिखना, इफ ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, बहुत ही काम की चीज बता रहा हूं, इफ ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, देन राइट एंगल पॉइंट ऑफ राइट एंगल इज ऑर्थो सेंटर, देन पॉइंट ऑफ राइट एंगल इज ऑर्थो सेंटर, देन इफ ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल देन पॉइंट ऑफ राइट एंगल, ठीक है ना, या वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल, वट एवर पॉइंट ऑफ राइट एंगल इज ऑर्थो सेंटर, पकड़ में आगे बात। हाँ तो आपने कई बार क्या करना होता है ना, क्वेश्चन में चेक भी कर लेना चाहिए कि कहीं राइट एंगल तो नहीं है, जैसे अब राइट एंगल का कैसे पता करता, राइट एंगल करना कौन सा मुश्किल काम है, इन दोनों के बीच का गैप निकाल लिया, ठीक है ना, ये कितना हो गया अंडर द रूट ऑफ 3 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, सोचने वाला सोच जाएगा, अंडर रूट 18 हो गया, 2√33 हो गया। अच्छा इन दोनों के बीच का गैप निकाला है ना, कैसे निकालेंगे, अंडर द रूट ऑफ 4 − 3 का स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर प्लस के अंदर 4 − 6 का स्क्वायर माने −2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया √3 हो गया, राइट है भाई। बस अब तकदीर से मनाओ कि गलती से ये √3 ना निकले, क्योंकि ये √3 निकले तो राइट एंगल हो सकता था, ठीक है ना। अच्छा वैसे होगा नहीं क्योंकि आंसर आपका कुछ और है, ठीक है। अगर देखा था ये, अगर इसको देखो जरा, तो 3 − 1 का स्क्वायर बोले तो 4 और 6 − 1 का स्क्वायर बोले तो 25, इसका मतलब √29 है, ये कोई राइट एंगल की निशानी नहीं है, है ना। राइट एंगल तब होता जब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर ही आता, लेकिन ऐसा दूर दूर तक नहीं है, सही है कि नहीं, इसका मतलब ये राइट एंगल नहीं है। राइट एंगल नहीं है तब तो ये रास्ता पकड़ना ही पड़ेगा, बट सम टाइम इट मे बी अ राइट एंगल, राइट एंगल आते समय ना आपके तकदीर बहुत फेवर में आज के दिन, ठीक है। और मेंस के पेपर में इस तरह की चीजें बहुत होंगी, मैं यहां के नहीं नॉर्मल मेंस के पेपर की बात करूं, ठीक है। एक 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 नॉर्मल क्राइटेरिया है जब आपको पता होना चाहिए कि आपका पहला फाइट इस बात पे होता है कि राइट एंगल तो नहीं है। क्वेश्चन मिलते ही सबसे पहला आदमी तीन चीजें ढूंढता है पूरी स्ट्रेट लाइन में, ये तो बेसिक चल रहा है ना अभी स्ट्रेट लाइन का, उसमें तीन चीजें ढूंढता है, भगवान करे एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाए, भगवान करे नंबर दो आइसोसेलेट टकरा जाए, नंबर तीन राइट एंगल आ जाए, तीन में से कोई आ गया तो आपका समझ लो बेड़ा पार हो गया। बस एक छोटा सा क्वेश्चन इसके बाद में है ना आप चले जाइएगा। हाँ भाई क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। हाँ भाई क्वेश्चन इज पॉइंट दे रखा है 2√3 − 1/2, राइट है। सेकेंड पॉइंट दे रखा है 1/2 − 1/2, राइट है। और दूसरा पॉइंट दे रखा है 2 − 1/2, राइट है भाई। फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल मेड बाय देम, फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल मेड बाय दीज पॉइंट्स,
फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल मेड बाई दीज पॉइंट्स, है ना भाई? अच्छा हाँ भाई, अब इस जगह पे भी है ना थोड़ा गौर कर लेते हैं, है ना? एकदम मत जाइए इसमें, एकदम मत अटैक करो, क्योंकि फोटो देखो आप, फोटो गंदी वाली है, फोटो ही गंदी वाली है, दिख रही है आपको? गंदे से पॉइंट है, गंदे गंदे पॉइंट है, ठीक है ना? जिसमें ये तो हाँ का मचा रहा है, कोई बात नहीं, होल्ड पे रहो, बिल्कुल ध्यान से समझना, मस्त लगेगा आपको। यार क्या दिमाग होता है इनमें, क्वेश्चन फ्रेम कैसे करते हैं लोग, रेडे? आप देखना जरा, आप में से किसी ने अगर गौर किया है कि नहीं, तो नजर दीजिएगा इस बात पे कि इन दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम है और इन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। जिन दो पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होता है वो एक ही लाइन पे पाए जाते हैं। इसका मतलब ये कि यहां पे यही तो बात लिखने लायक होती है, ये जो टीचर ने बोला ना यही बात तो लिखने लायक होती है, दो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम, दो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम, राइट भाई? इंप्लाइज वो एक ही पॉइंट पे होंगे, एक ही लाइन पे, ठीक है ना? अच्छा, और इसके आगे भी लिख लेना वाई एक्सिस के पैरेलल, ठीक है? अच्छा, अब अगर दिख रहा है दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट दो है, इसका मतलब दोनों एक्स इज इक्वल टू टू पे होंगे, क्योंकि दोनों का एक्स की वैल्यू दो है। कहां होंगे, कौन कैसा होगा, कौन नीचे होगा, कौन ऊपर होगा, खट पता चल जाएगा। ये रूट थ्री माइनस वन बाई टू है, बच्चा बच्चा ना, रूट थ्री का मतलब 1.71 होता है, 1.71 में से एक गया, 0.71 रह गया, 0.71 बटा दो माने 0.35, 0.35 माने यहां कहीं जीरो के एक से ठीक थोड़ा बहुत ऊपर यहां कहीं होगा। अब बच्चे ने दिमाग लगा, अच्छा चल भाई 2√3 − 1/2 फोटो आने लगी उसके दिमाग में, है ना? अच्छा दूसरा वाला पॉइंट है 2 − 1/2, −1/2 माने y की वैल्यू नेगेटिव, y नेगेटिव नीचे है कि नहीं? तो बच्चे ने दिमाग लगा, यहां लो इसको, यहां 2 − 1/2 ले लिया बच्चे ने। अब दिमाग लगा रहा वो और सोच रहे हैं, अच्छा इन दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम, y कोऑर्डिनेट सेम, सही ना भाई? ओके एक सेकंड, किनका बिठा गया, ठीक है? इन दोनों का बिठा गया, है ना भाई? y कोऑर्डिनेट सेम, सही है? अच्छा अगर इन दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम, ठीक है, तो दोनों है ना x एक्सिस के पैरेलल। अच्छा बताओ एक सेकंड, x एक्सिस के पैरेलल कैसा होगा? यो ये यो, x के पैरेलल यो, अरे x एक्सिस यो होता है ना पहले, तो इसी में डिसाइड में है कि नहीं? पैरेलल लाइन पर, ठीक है ना भाई? x एक्सिस के पैरेलल लाइन पर। अच्छा और दोनों का y कोऑर्डिनेट −1/2 है, इसका मतलब दोनों के दोनों u मिलेंगे −1/2 पे, और यो बनते ही अब देखो जरा 2 − 1/2 ये रहा, दूसरे पॉइंट का 1/2 − 1/2, बच्चे ने दिमाग लगाया 1/2 एक्स का 1/2, यहां पे एक्स इज़ इक्वल टू कितना है 2, तो एक्स इज़ इक्वल टू 1/2 कहां होगा? आगे यहां कहीं होगा, दिख रहा है? इस जगह कहीं होगा, एक्स इज़ इक्वल टू 1/2, माने ये वाला पॉइंट यहां होगा 1/2 − 1/2। अब आप बताइए ये जो ट्रायंगल बन के हाजिर हो गया, ये राइट एंगल है या नहीं है? कोई बताएगा ऑर्थो सेंटर कहां है? 2 − 1/2, दिख गया? एक तरीका, कंसेप्ट ही पकड़ना है, ठीक है? कंसेप्ट पकड़ना है, कंसेप्ट, क्योंकि अगर आपने इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा लिया तो आप में से कई लोग तो बाहर ही नहीं आएंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर करते ही है ना उल्टी जुकाम क्या नहीं डायरेक्ट मान ले लेना, यही तो सिखा रहा हूं, दोनों का वाई वाई सेम, दोनों का एक्स एक्स सेम, इसका फायदा तो यही है ना, ताकि आपको ये याद रहे कि अच्छा दोनों का एक्स सेम है दोनों यू मिलेंगे, दोनों का वाई सेम है यू मिलेंगे, पकड़ में आया? ये डायग्राम से आप यही सीखते हैं। ऑर्थो सेंटर देखो, फिर दो क्वेश्चन कंसेप्ट बहुत सारे मिल रहे हैं सीखने के लिए, ये आप पैरेलल लिखना, इसको इतनी कचरा राइटिंग में मत लिखना, बकायदा पॉइंट सजा सजा करके काम की चीजें ये, राइट? आज के दिन मैंने आपको कोई काम नहीं दिया, वो करके लाना जो आप नहीं करके लेके आए, ठीक है ना?